एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहिब भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन्हें इकोनॉमी एमपीसी 0.7.5 एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ इकोनॉमी इंक्रीजेज बाय 75 करोड़। फाइंड द इंक्रीज इन नेशनल इनकम। एमपीसी इज गिवन टू यू 0.75। चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 75। के दे फॉर्मूला लगा देने, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1/(1-MPC) इज इक्वल टू 1/(MPS). सो एमपीसी किन्ना साडे कोल 0.75, चेंज इन आई किन्ना 75, चेंज इन वाई निकल गया इथों दी 300। ठीक है जी। सो इक्वेशन खत्म हो गया। सो तुसी ए वाला फॉर्मूला नहीं यूज करया, ना आ यूज करया, दो चीजा यूज करके जान ले। हुण तुसी अगला पार्ट देखियो जरा ध्यान नाल। अगला पार्ट तुहानू कुछ इस तरह दा, ध्यान नाल देखना। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन दे विच कुछ इस तरह है, इन्हां नी इकॉनमी 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 1000 करोड़, कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम, टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो एमपीसी दिता है 75%, क्योंकि कहते 75% ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्ट इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, जो होंगे स्पेंट ऑन सेविंग तो एमपीएस होना सीगा, स्पेंट ऑन कंजम्पशन मतलब वो एमपीसी हो गया। एमपीसी कितना देता है 75%, 75/100 दैट इज 0.75। तुहाडे कोल चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी दित्ती है 1000, के दे फार्मूला लगाते 1/(1-MPC) 1/(MPS) इज इक्वल टू चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई। आपां फार्मूला लगाता जेड़ा तुहानू लर्न करना ही करना वाला फार्मूला। उस तो बाद चो दी एमपीसी कितना दित्ता होया क्वेश्चन च मेरे बच्चों 0.75, मतलब आपां नू इस फार्मूला दी ते ओ के दी लोड़ नहीं है। सो हुण आपां की करिया, इत्थे चेंज इन इन्वेस्टमेंट दी जगह 1000 लिख दित्ता, चेंज इन वाई 4000 करोड़ आ गया। फिर सानू चेंज इन कंजम्पशन भी करनी है। एमपीसी 0.75 दिता, एमपीसी का फॉर्मूला की है चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई कितना कर चुके हो 4000, तो चेंज इन सी आ जाएगा 4000 × 0.75 दैट इज 3000 करोड़। क्वेश्चन खत्म हो गया। दैट्स इट।